हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये एक फाइनेंस कंपनी है। और ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी एक NBFC कंपनी है और ये ऑपरेटिंग करती है हाउसिंग फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, जनरल इंश्योरेंस ब्रोकिंग, सिक्योरिटीज ब्रोकिंग, हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंस। तो आप समझ में आ रहा होगा ये एक इंश्योरेंस या फाइनेंस या ब्रोकिंग में डील करने वाली कंपनी है। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो अक्टूबर 15, 2007 का था, बट जो इसका IPO आया था वो 2017 में आया था। आज हम स्टॉक की बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के करीब है, बिल्कुल अपने एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के करीब है। और ये अगर ये ब्रेकआउट दे पाता है तो ये बहुत ही शानदार 2017 के बाद से आप कैलकुलेट कर लीजिए लगभग 7 साल का ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। और जब इसका IPO 2017 में आया था उसके बाद से ही इसमें मैसिव सेलिंग आई थी। आप देख सकते हैं दोस्तों IPO के प्राइस से, जो IPO का प्राइस 2017 में 255 का था वो गिर के ये आप देख सकते हैं मार्च 2020 में ये लगभग 38 का रह गया। और 85% की ये मैसिव सेलिंग आई थी। आप देख सकते हैं दोस्तों 85% की इसमें मैसिव गिरावट आई थी, यानी कि जिसने भी IPO में इसमें 1,00,000 रुपए लगाए होंगे उसके पैसे मात्र 15,000 रुपए रह गए होंगे। तो इतनी बड़ी सेलिंग आई दोस्तों। बट क्या हुआ उसके बाद अप्रैल 2020 से आप इसमें देख सकते रिवर्सल आना शुरू हो चुका था। आप देख सकते हैं अप्रैल 2020 से पहले जो इसके कैंडल से कितनी आपको रेडनेस नजर आ रही होगी, हरियाली बहुत कम नजर आ रही होगी, बट अप्रैल 2020 से आपको रेडनेस नजर आ रही है या हरियाली ज्यादा नजर आ रही है, आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ आपको हरियाली ज्यादा नजर आ रही है। और जो ये जो है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है, आप इसके देखिए मंथली जो कैंडल्स बन रहे हैं कितने बड़े बड़े और ग्रीन कैंडल्स जो बन रहे हैं, तो ये देखिए ये जो है फरवरी 2021 का 53%, ये देखिए दोस्तों नवंबर 2022 का है 24%, ये देखिए दोस्तों अप्रैल 2024 यानी पिछले महीने का है 32%। बिल्कुल दोस्तों यहाँ से देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट जो लेवल है इसको क्रॉस किया और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के इसको क्रॉस किया। अगला रेजिस्टेंस से थोड़ा डाउन हुआ, कॉन्सोलिडेट किया, देन ये जो लेवल था इसको भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रेकआउट देने का काम किया, थोड़े दिन तक कॉन्सोलिडेट किया, ऊपर गया, फिर अगला जो इसका लेवल था वहां तक पहुंचा, देन वहां से थोड़ा गिरावट आया एंड देन इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के 32% का। तो उसके बाद से आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो महीना है मई का महीना है उसमें सेलिंग जा रही है, क्योंकि निफ्टी में ही मैसिव सेलिंग आई है, मे बी इलेक्शन को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके कारण ये सेलिंग आ रही है, जो FII जो है लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो ये जो सेलिंग आ रही है तो सबके पोर्टफोलियो रेड हुए पड़े हैं, तो उस कारण ये जो है सेलिंग आ रही है। तो अब अगर हम इसके वीकली चार्ट पैटर्न को भी देख लें दोस्तों उसमें हमें क्या दिखता है, तो देखिए दोस्तों वीकली चार्ट पैटर्न में भी आपको ये अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है, लगातार इसमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय में ये कितने बड़े बड़े वीकली कैंडल्स में भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए, ये लगभग 16.5% का कैंडल और ये 15% का, उसके बाद से थोड़ी गिरावट आई है। अगर हम इसके डेली चार्ट पैटर्न की ओर चलें दोस्तों तो आप देख लीजिए दोस्तों ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों ये लंबे समय से यहाँ कॉन्सोलिडेट करता है, ये बात है लगभग जुलाई 2023 की, जुलाई 2023 से अभी तक लगभग ये लगभग 273 डेज तक, मतलब अच्छे खासे समय तक, अभी अप्रैल 2024 तक ये लंबे समय तक इसमें कॉन्सोलिडेट किया। उसके बाद जो ये ब्रेकआउट दिया ये देखिए दोस्तों कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पहले तो गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद जो ये कैंडल है ये लगभग 10.5% का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया। और नीचे जो वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम भी आप देखिए दोस्तों कितना कमाल का ये जो है वॉल्यूम आया, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और वॉल्यूम भी कमाल के थे, तो ये स्टॉक का बुलिशनेस दिखा रहा है दोस्तों, ये धीरे धीरे चल रहा है और बिल्कुल बहुत ही अच्छा जो है इसमें बाइंग आ रही है। आप देखिए दोस्तों इसके बाद भी यहाँ कुछ दिन तक कॉन्सोलिडेट किया, उसके बाद से फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, ये देखिए दोस्तों लगभग 7% का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, उसके बाद भी लगातार कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया और जो इसका मैक्सिमम यहाँ पे जो हाई लगाया वो लगाया लगभग 244 रुपए का, उसके बाद से इसमें सेलिंग आई और सेलिंग आई लगभग 14-15% की सेलिंग आई। वही बात है दोस्तों ये जो मई में जो निफ्टी में जो सेलिंग आ रही है उसके कारण जो है इसमें जो सेलिंग आ रही है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बाइंग वॉल्यूम है आप देख सकते हैं वो ज्यादा है, जबकि सेलिंग वॉल्यूम उतनी ज्यादा है नहीं, यानी कि लोग बेच इसमें रहे नहीं है, जो ऑपरेटर टाइप के लोग हैं वही इसमें पैनिक क्रिएट करवा के जो वीक हैंड से उसको निकलवाने का काम कर रहे हैं ताकि लो प्राइस पर वो फिर से बाइंग कर सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। अब बात कर ले दोस्तों इसमें एंट्री पॉइंट क्या हो सकती है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं नीचे आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, फ्राइडे को इसमें बाइंग आई लगभग 3.25% की बाइंग आई, तो क्योंकि फ्राइडे को निफ्टी भी अप में था तो इसमें भी छोटी सी आपको ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी और ये
लेवल भी है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 208-209 का। तो यहाँ से जो है ये जो पिछला रेजिस्टेंस लेवल था वही भी सपोर्ट का काम किया है और यहाँ से एक बाइंग आती है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है कि डिपेंड करता है दोस्तों कि निफ्टी में मंडे को क्या होता है। तो अगर निफ्टी में वापस से अगर मंडे को सेलिंग आती है तो समझिए दोस्तों ये हो सकता है कि इस लेवल को भी तोड़ दे, 209 का जो लेवल है इसको भी तोड़े एंड देन ये गिर कर 194 के लेवल तक आ जाए एंड देन यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक दे, या फिर ये हो सकता है कि दोस्तों ये यहीं से जो है जो बाउंस बैक देने का काम किया, अगर निफ्टी में वापस से बाइंग आती है मंडे को भी तो हो सकता है एक और ग्रीन कैंडल्स बना के यहाँ से भी ऊपर चला जाए। तो अगर मंडे को भी इसमें बाइंग आती है तो बिल्कुल इसमें बाइंग करने के लिए देखा जा सकता है, बट अगर मंडे को सेलिंग आती है और यहाँ आता है गिरकर 194 तक मोस्ट प्रोबेबली, चूंकि ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, यहाँ अगर आता है तो फिर आपको और यहाँ से जब बाउंस बैक देता है तब यहाँ से आपको बाइंग करने के इसमें नहीं देखना है, तब आपको वेट करना है कि ये 209 के लेवल को क्रॉस कर जाए तब इसके ऊपर आपको इसमें बाइंग करने के लिए देखना है। हालांकि इस स्टॉक में एंट्री बनाने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है दोस्तों जिसे आपको कंसिडर जरूर से करना चाहिए कि आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका रिजल्ट का डेट है वो है 13 मई, यानी कि मंडे को ही इसका रिजल्ट आना है। तो उस रिजल्ट के आने के बाद इस स्टॉक में क्या एक्शन होता है उस हिसाब से ही आपको इसमें एंट्री बनाने के लिए देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आया तो ठीक है बट अगर रिजल्ट खराब आया तो इसमें जो है जो निफ्टी में पहले से ही सेलिंग जा रही है उसमें आग में घी डालने का काम करेगा एंड जो बड़े ऑपरेटर टाइप के लोग हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं इसमें और शॉर्ट टर्म और भी ज्यादा सेलिंग करवा सकते हैं ताकि वो लो प्राइस पे एंट्री बना सके। तो ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए दोस्तों और बिल्कुल आपको रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट क्या रहता है उसके बाद इसमें एंट्री बनाने के लिए देखना चाहिए, आपको मंडे या ट्यूजडे तक का वेट कर लेना चाहिए दोस्तों। तो अब अगर हम इसके टारगेट प्राइस की बात करें दोस्तों तो वो भी हम देख लेते हैं इसके क्या टारगेट प्राइस बनते हैं दोस्तों। तो अगर हम इसका रेंज निकाल लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसका ऑल टाइम हाई जो है वो अगर वहाँ से ना भी निकाले, अगर थोड़ा कंजर्वेटिव होकर भी इसका टारगेट निकालें तो हम देख लेते हैं दोस्तों इसका जो टारगेट जो है क्या बनता है। टारगेट प्राइस इसका देखिए दोस्तों बनता है ये लगभग 390 का जो है इसका टारगेट प्राइस बनता है थोड़ा कंजर्वेटिव होने के बाद बावजूद, तो ये अच्छा खासा टारगेट प्राइस बनता है दोस्तों। अगर मैं इसका करंट प्राइस से भी इसका निकालूं कितना परसेंट बन रहा है तो ये लगभग 80-81% का इसका टारगेट प्राइस बनता है जो कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रिटर्न हो सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों जिस तरह से ये स्टॉक ट्रेंड में है इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और दोस्तों बिल्कुल अभी जो है लाइफ इंश्योरेंस या एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ जैसे कैम्स या अदर जो HDFC AMC जिस तरह की कंपनियाँ मैंने पहले भी शेयर की हैं ये काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है और उसी तरह से ये आदित्य बिरला कैपिटल भी है। तो हालांकि जो मैंने जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स बताए हैं और साथ ही साथ जो मैंने आपको ये भी बताया है कि जो मंडे जो इसका रिजल्ट आया है उसे भी आपको देख लेना है, उसके बाद ही ट्यूजडे या वेडनेसडे को ही आपको इसमें एंट्री बनाने के लिए इसमें सोचना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों ये जो भी मैंने बताया ये बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको क्या करना है वो आपको अपने एनालिसिस पे करना है। मेरा क्या ओपिनियन था मैंने इस स्टॉक में वो आपको बता दिया। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।